हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरौनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ पांचवा है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत आज पढ़ेंगे क्या, टीएच मार्गन एवं फल मक्खी के बारे में अध्ययन करेंगे। टीएच मार्गन क्या थे? एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, किस पे वर्क किया, आइए अब समझते हैं। थॉमस हंट मार्गन ने क्या किया था? थॉमस हंट मार्गन ने अपना जितना भी जेनेटिक्स का प्रयोग, मेंडल के बाद यही टीएच मार्गन थे जिन्होंने आनुवंशिकता के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने प्रयोग के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग किया था, कौन सा जीव का प्रयोग किया था, वो थी क्या, फल मक्खी जिसे हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मिलेनगास्टर। ये आपकी क्या है? ड्रोसोफिला मिलेनगास्टर है, इसे हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई और फल मक्खी। पहले हम जान लें कि मेंडल ने क्या क्या, रहे टीएच मार्गन ने और उनके साथियों ने क्या क्या प्रयोग किए थे। नंबर वन प्रयोग क्या क्या था? उन्होंने वंशागति के जो क्रोमोजोम सिद्धांत था उसका क्या क्या था, प्रयोगात्मक सत्यापन किया था। क्या क्या था? प्रयोगात्मक का सत्यापन किया था। नंबर दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब उत्पन्न होता है विभिन्नताएं, वेरिएशन, इसकी खोज की नींव डाली थी। किसकी? वेरिएशन की खोज की इन्होंने ही नींव डाली थी। थर्ड प्रयोग, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक संकर और द्विसंकर प्रयोग किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। नंबर फोर्थ है, इन्होंने लिंग संलग्न वंशागति के समझ को विकसित किया था। इन्होंने लिंग संलग्न वंशागति के ऊपर भी कुछ काम किए थे जिससे हमको आसानी से समझ में आए, मतलब कुल मिलाकर समझ को उत्पन्न किया था। नंबर आगे है, इन्होंने संलग्न समूह की खोज की थी। इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क करके सहलग्नता समूह, लिंकेज ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने एक म्यूटेंट वैरायटी थी, उत्परिवर्तित वैरायटी थी ड्रोसोफिला की, जिसकी खासियत क्या थी, वो सफेद आंख वाली थी। इनकी खोज भी किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। आगे 1933 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर, क्या, आनुवंशिकता में क्रोमोजोम की भूमिका के ऊपर, इस पे क्रोमोजोम की भूमिका किसमें, आनुवंशिकता पे, इन्होंने ज्यादा इसके ऊपर वर्क किया, इसीलिए इनको 1933 का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर एक क्वेश्चन आता है कि टीएच मार्गन ने प्रयोग के लिए फल मक्खी ही क्यों चुनी, क्या कारण इसके, ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं। नंबर वन, सरल कृत्रिम माध्यम, मतलब प्रयोगशाला में इसको सरल आर्टिफिशियल माध्यम में इसको आसानी से हम पाल सकते हैं या हमको हम रख सकते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, अर्थात ये 2 सप्ताह के होते हैं और जल्दी ही रिजल्ट ये दे देते हैं। नंबर थ्री, एकल मैथुन के दौरान हजारों सैकड़ों क्या कर सकते थे, ये संतति उत्पन्न कर सकते। चौथा है, इनके अंदर लिंगों में विविधता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म था, अर्थात इनके अंदर जो मादा क्या थी, बड़ी थी और नर जो होते छोटे होते थे। मादा की एक और पहचान है कि उसके निचले भाग में ओविपोजिटर एक अंग होता है, वो पाया जाता, और इसलिए चुना कि इनके अंदर जो आनुवंशिकता, जो विभिन्नता है उत्पन्न हो जाती है, आनुवंशिक विभिन्नता है, उसको कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से भी दे सकते हैं। अर्थात जो जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट होते थे ड्रोसोफिला के ऊपर, उसको हम आसानी से कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन निम्नलिखित कारणों के कारण टीएच मार्गन ने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में चुना। धन्यवाद, नमस्कार।